फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। जी हाँ, मंडे का दिन है आज। सेकेंड वीकेंड खत्म हो गया है टोटल धमाल के लिए। अब वीकडेज में फिल्म उतर आई है। वीकडेज आपको बता दो, वो होता है जो नॉर्मल डेज होता है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, ये सब वीकडेज है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए अभी तक का कलेक्शन, पहले कितना समझ में आया। पहली बात तो 10 करोड़ नजर आ रहा है कलेक्शन 10वें दिन का टोटल धमाल के, यानी कि फिल्म 116 करोड़ के आसपास टच कर लिया है इस फिल्म में। ठीक है, लब बात करें सेकेंड वीक के मंडे को कलेक्शन, वो टिकट प्राइस के दाम थोड़े कम होंगे, सीधी बात है। और अगर हम फॉल देखें तो फॉल, अगर याद होगा आपको, फर्स्ट संडे का जो फॉल था और मंडे को सीधा कलेक्शंस बहुत 10 करोड़ के नीचे आ गया था, यानी कि कलेक्शन हमने जो ड्रॉप देखा था वो पहले दिन का था 16.50 करोड़, राइट। तो मंडे का कलेक्शंस कुछ 8 करोड़ के आसपास था, 8 आई थिंक, कितने नहीं, आई थिंक सारा था शायद, राइट। बट आई एम कंफ्यूजिंग राइट ना, मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए क्योंकि मुझे मंडे का कलेक्शन याद नहीं आ रहा है फर्स्ट मंडे का। बट यहाँ पर मैंने ये देखा था जरूर कि लगभग 55% ड्रॉप था, 45 से 50%, यानी कि 16 करोड़ था कलेक्शन, तो 9 करोड़ के आसपास कुछ है। हाँ, 9.85 करोड़ आया था, याद आया मेरे को, मंडे का कलेक्शन आया था 9.85 करोड़, यानी करीबन करीबन 10 करोड़ के आसपास, और जो ड्रॉप दिखा था वो 45% के आसपास दिखा था। तो यहां पर अगर हम ड्रॉप देखें तो अगर ये हम ध्यान दें कि कुछ 4.5 करोड़ के आसपास कुछ कमाई थी फिल्म सेकंड फ्राइडे को, तो यहां पर कलेक्शंस ड्रॉप होने के हिसाब से मेरा जहां तक मानना है ये फिल्म 2 से 3 करोड़ के बीच में कमाएगी। बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट ना करें तो फिलहाल बेहतर है, लेकिन 2 से 3 करोड़ के बीच में ये कमाएगी, यानी कि जो कलेक्शंस अभी तक 116 करोड़ है वो करीबन करीबन जाके पहुंचेंगे 118 करोड़। और इसी स्लो स्टीम से अगर फिल्म चली तो फिल्म आराम से 130 करोड़ पार कर लेगी, लेकिन उसके आगे कहां तक जाएगी ये अभी तक कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, थर्ड वीकेंड भी इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इतना मुझे भी लग रहा है। और फिलहाल फिल्म 2100 के ऊपर स्क्रीन पर है, तो 2 से 3 करोड़ में प्रेडिक्शन है 11th डे का टोटल धमाल का। आप ही क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।